दोस्तों आप सबको पता होगा कि WhatsApp पे जब भी कोई वीडियो आता है वो सीधा डायरेक्ट हमारे गैलरी में सेव हो जाता है। जब आप उसको डाउनलोड करते हैं तो हमारे गैलरी में डायरेक्ट ही सेव हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो आपके गैलरी में सेव ना हो, केवल आपके WhatsApp में ही रहे, तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा ही ट्रिक बताऊँगा जो कि आप अपने हिसाब से उसको सेव ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा WhatsApp जो है ओपन हो चुका है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपका जो DP है DP पे क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब जैसे मेरा ये हो गया, मैं इसके DP पे क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों DP पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आइकन मिलेगा, आई बटन जिसको बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मीडिया दे रहे हैं ना, विजिबिलिटी, यहाँ पे दोस्तों आपको ये करना है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों आप चाहते हैं कि आपका वीडियो जो है गैलरी में सेव ना हो, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट या यस में ही रखना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वीडियो हो गैलरी में सेव हो, तब अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भेजा हुआ आपके दोस्तों द्वारा वीडियो जो है वो केवल चैट में ही रहे, वो गैलरी में ना जाए, तो यहाँ पे दोस्तों आप नो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप नो पर क्लिक करिए, है ना। यहाँ पर नो पर क्लिक करके आप इसको ओके कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, जो भी ये आपका जिसको किए हैं आप, वो दोस्त आपका जब भी वीडियो भेजेगा, वो वीडियो डाउनलोड आप करेंगे तो गैलरी में सेव नहीं होगा, वो वीडियो बस आपके चैटिंग सेक्शन में ही रहेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।